व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। कोलकाता में सिंगर केके का कल देर रात निधन हो गया। केके के निधन का कारण पहले दिल का दौरा बताया गया तो वही अब उनकी मौत अनैचुरल बताई जा रही है। दरअसल केके के चेहरे और होठों पर चोट के निशान मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं केके की मौत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताते हुए कहा कि उनके परिवार को हर सहायता दी जाएगी। कहते हैं कि केके का आकस्मिक और असामान्य निधन के स्तब्ध और दुखी हूँ। मेरे सहयोगी कल रात से सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि उनके परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता दिलीप घोष ने केके के निधन पर पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वो सही नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि भीड़ कैपेसिटी से ज़्यादा और AC बंद, पता नहीं इसी कारण की तबीयत बिगड़ी और कुछ और ही हुआ। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस केके के निधन के मामले में आयोजकों और होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। गुरुदास महाविद्यालय में कार्यक्रम किया गया था और इस फेस्ट का नाम दिया गया था उत्कर्ष 2022। नेचुरल मंच में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इधर सिंगर केके के परिवार के सदस्य आज कोलकाता आ रहे हैं। न्यू मार्केट थाने में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस बात की जाँच कर रही है कि संगीतकार की मौत शारीरिक बीमारी से हुई या फिर किसी अन्य कारण की वजह से। लेकिन बताते चले आपको, यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला ममता बनर्जी की तरफ से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी पत्नी से भी बातचीत करूँगी और साथ ही साथ यहाँ पर हवाई अड्डे पर ही केके को सलामी दी जाएगी। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस तरीके से यहाँ पर केके का निधन हुआ है, ना तो उनके परिवार को विश्वास हो रहा है, ना ही उनके फैंस को विश्वास हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ के काबिल है कि आखिरकार ममता बनर्जी ने इतना बड़ा ऐलान किया और कहा कि उन्हें हवाई अड्डे पर ही सलामी दी जाएगी। अब आपकी क्या राय है खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।